हेलो दोस्तों, मैं ओडिसी वर्ल्ड से आज आप लोग के लिए ले आई हूँ एक क्रंची स्नैक्स, जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है लेकिन बाहर क्रंची है। तो दोस्तों, इसके लिए लेंगे मेन चीज़ जो है आलू, दो हरा मिर्च, दो सूखा मिर्च, लहसुन और धनिया पत्ता। अब कढ़ाई में हम लोग हाफ कप सूजी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम लोग एक कप पानी और इसमें देंगे हम चावल का हाफ कप आटा। ये चावल भी सूजी के साथ हम लोग डाल देंगे। फिर देंगे हाफ चम्मच नमक, फिर इसका जो पानी है वो अच्छे से सूखा लेंगे। जब तक ये बनता है तब तक चलिए हम लोग मसाला जो है हम लोग का बना लेते हैं। तो मसाला के लिए हम लोग का जो हरा मिर्च और जो हम सूखा मिर्च और लहसुन है वो एक साथ पीस लेंगे। अब इसमें थोड़ा नहीं हाफ कप हम लोग पानी दे देंगे, देके इसे पीस लेंगे अच्छे से। अब जो हम लोग का आलू है उसको कद्दूकस कर लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लेंगे, हम लोग का जो लहसुन और मिर्चा का जो पेस्ट है उसको डाल देंगे। अब इसमें एक एक करके हम लोग कद्दूकस किया हुआ आलू और हम लोग का जो राइस फ्लावर और सूजी का मिक्स था वो भी दे देंगे। फिर इसको अच्छे से नार के पूरा सूखा के आटा जैसे डो बना लेंगे। इधर हम लोग धनिया को चॉप कर लिए हैं, देखिए ये ऐसे करके हम लोग को पानी सुखा के थाली में उतर लेना है। फिर इसमें धनिया दे देना है। अब इसको पूरा अच्छे से डो बना लेना है। अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा चिपचिपापन है, डो अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में हम लोग तेल डाल देंगे और तेल गरम होने के बाद हम लोग इसमें हम लोग का जो डो था उससे लेके हम लोग छोटा छोटा करके कोई भी शेप देके इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड गोल्डन होने के बाद उसके बाद दूसरा साइड भी हम लोग गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों, एक साइड गोल्डन होने के बाद ही आप लोग इसको पलट के, नहीं तो ये थोड़ा नरम होता है तो टूट जाएगा। अब देखिए ये रेडी हो गया है। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किया।